उसने कहा था, एक बार 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं। लड़की अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने गई थी। उसी दुकान पर लड़का भी था। कुछ देर बाद लड़का पूछा, तेरा घर कहाँ है? लड़की बोली, मंगरे में। मैं अपने मामा अतर सिंह के पास आई हूँ। लड़की बोली, तेरा घर कहाँ है? लड़का बोला, मांझे में। मैं भी अपने मामा के पास आया हूँ। कुछ देर बाद सामान खरीद कर एक साथ चलने लगे। लड़का मुस्कुरा कर बोला, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? लड़की आँख चढ़ाकर धत करके भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी और दूध वाले के पास फिर मिल जाते हैं। तो लड़का पूछा, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? लड़की धत कहकर चली जाती है। एक दिन फिर लड़का मिलता है और पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या? तो लड़की विरोध कर बोली, हाँ हो गई है, देखता नहीं है ये रेशम की सालू। अब लड़का दुखी हो जाता है, किसी को नाली में धक्का दे देता है, ठेला वाला को ठेका ठेला उलट देता है, दूध वाला को दूध गिरा देता है। इस प्रकार जो है सामने आता है लड़का का नाम जो है लहना सिंह, और वही लड़की जो है सूबेदारनी के रूप में सामने आती है। इस घटना के 25 साल बाद लहना सिंह जर्मन के विरुद्ध लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो जाता है, जिसका राइफल नंबर 77 जमादार है। जब युद्ध में वजीरा फंस गया तो फ्रांस की मैम बोली, तुम राजा हो मेरे मुल्क के, बचाने आए हो। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। एक बार युद्ध में था तो लहना सिंह बोला था कि मेरे गांव मौलवी आते थे, जो बच्चे नहीं होने पर उसका इलाज करते थे, कुछ दवा देते थे। वो बोलते थे कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाना सीख गए हैं। इधर जो है जारा के कारण वजीरा युद्ध में कांप रहा था। जरा मौत है, निमोनिया के कारण मरने वाले की आस्थान नहीं मिल रही है। उसी समय एक बार बोधा सिंह का तबीयत युद्ध में खराब हो गई। वह जरा के कारण कांप रहा था। तब लहना सिंह 2-3 कंबल ओढ़ा दिया। फिर जरा कम नहीं हुआ तब उसने अपनी जर्सी पहनाई। युद्ध में लहना सिंह को एक गोली भी लगी थी। अब वह लहना सिंह ठीक हो गया था। किसी जमीन के काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी पर लहना और सूबेदार हजारा सिंह गांव आया था। अचानक रेजिमेंट ऑफिसर की चिट्ठी आई कि फौरन चले आओ, यहां पर युद्ध छिड़ गई है। लहना सिंह के रास्ते में सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह का घर था। लहना सिंह जब सूबेदार के घर पहुंचा तो सूबेदार ने उसे पहचान लिया, लेकिन लहना सिंह नहीं पहचान पाया। तभी सूबेदारनी बोली, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? अमृतसर के बाजार में, और कहकर रोने लगी। कहती है, मेरे भाग ही फूटे हैं, मेरा बेटा बोधा सिंह भी फौज में है और पति भी फौज में, मेरे इससे पहले 4 बेटे थे वो भी मरे गए। और वो रोने लगती है, पता नहीं आगे क्या होगा। सूबेदारनी रोती हुई अपनी आंचल पसार कर बोली, जिस तरह तुमने बचपन में मेरे टांगे के आने से बचाया था, ठीक उसी तरह मेरे बेटा और पति की रक्षा करना। लहना सिंह रोते हुए बाहर आता है। अब युद्ध
बाहर आता है और चला जाता है युद्ध में। अब युद्ध जबरदस्त छिड़ गई, गोली का बौछार होने लगा। लहना सिंह सोचा कि अब कोई नहीं बचेगा। तब जल्दी से बोधा सिंह और हजारा सिंह को गाड़ी में बैठा दिया और बोला कि जाकर बोल देना कि उसने कहा था जो वादा पूरा किया। हजारा सिंह पूछने ही वाला था कि क्या कहा था, तभी अचानक गाड़ी खुल गई। लहना सिंह खून से लथपथ, गोली लग चुकी थी, बिल्कुल घायल हो गया था लहना सिंह, अचानक जमीन पर गिर गया। वजीरा सिंह दौड़ते हुए अपने गोद में सिर रखा और उसे पानी पिलाया। पानी पीता एक पल के लिए वे बचपन की सारी घटनाएं याद करता है और अचानक बोला, किरत सिंह, किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। तभी वजीरा बोला हाँ, और लहना सिंह दम तोड़ दिया। इस तरह लहना सिंह की एक तरफा प्रेम अमर हो गया। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध 1915 के लगभग की है।